आज मैं आया हूँ वैशाली का सबसे बड़ा कॉलेज में। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और आज मैं आपको यहाँ का सैर कराऊंगा, यहाँ का वीडियो दिखाऊंगा। तो मेरा आप लोग वीडियो देखते रहें, इसके साथ साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग जगह जाके अलग अलग वीडियो दिखाता हूँ और स्टूडेंट का बहुत काम लायक मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों मेरा आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले बिंदास ब्लॉगर। इसके साथ साथ अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में वीडियो स्किप करने से पहले आप एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने तो देख ही लिया, अब मैं आपको पूरा इधर साइड में आपको दिखाऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और बहुत ही ज़्यादा काम का ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा काम का ये वीडियो है। तो बगैर स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। आप देख सकते हो चौड़ाई में लगभग 20 फुट का ये गेट है और बहुत ही बड़ा ये कॉलेज है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग कुछ इससे नॉलेज मिलेगा आपको। ये रहे गार्ड साहब, इनको भी बहुत ठंडी लग रही है, लेकिन हम लोग का वीडियो देखने आए हैं। मैं आया हूँ छपरा ज़िला से, यहाँ दिखाने आया हूँ, पास में ठहरा हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखाने आया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज, आप कुछ बताना चाहेंगे तो बता दीजिए। क्या बताना है बोलिए। ये कॉलेज के बारे में आप बताइए, कॉलेज कितना दिन से ये शुरू है? लगभग साल भर से चल रहा है ये, यानी कि न्यू कॉलेज है, ज़्यादा दिन का नहीं है। यहाँ पर हॉस्टल भी है ये कि ऐसे ही? लगभग कितना भी स्टूडेंट यहाँ पर है? स्टूडेंट यहाँ पे बॉय है लमसम 200, गर्ल्स है लमसम 50। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ। बहुत दूर से मैं आया हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो सामने रिपब्लिक डे का यहाँ पे मनाया गया था और शायद यहीं के स्टूडेंट ये बनाए होंगे। दोस्तों मैं बहुत दूर से आया हूँ, इसीलिए यहाँ का गार्ड साहब मुझको परमिशन दे दिए हैं अंदर का कुछ दिखा देने का। दोस्तों बहुत ही बड़ा ये कॉलेज है और यहाँ तो आप लोग सुन ही लिए हैं गार्ड साहब से कि क्या क्या फॉलो करना है, तो इसमें एडमिशन हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज है दोस्तों, और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में आप कोई भी इंजीनियर का तैयारी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, और ऐसे कुछ आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसमें हॉस्टल का भी सुविधा है, इसलिए इतना बड़ा ये कॉलेज है। दोस्तों आप लोग एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये वैशाली का सबसे मशहूर कॉलेज अभी बना है हाल फिलहाल में, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों इधर से, और यहाँ पर कुछ पार्क है, यहाँ पे खेलने कूदने का भी जगह है, ये गार्ड साहब का रहने का जगह है। दोस्तों हम लोग अभी बाहर आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ गर्ल्स हॉस्टल के पास में, और सूरज भी निकल रहा है हल्का हल्का, तो आपको दिख नहीं रहा होगा। दोस्तों ये नया कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि 1 किलोमीटर तो कम ही है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर के करीब में ये कॉलेज फैला हुआ है। दोस्तों ऐसा ऐसा वीडियो बहुत ही ज़्यादा मशहूर होना चाहिए, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ये रहा गर्ल्स का हॉस्टल और ये रहा बॉयज़ का हॉस्टल, इसमें प्रिंसिपल सब और टीचर सब रहते हैं लोग। ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ कैसे कैसे करके, और सुबह के टाइम में इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से कुछ बता सकूँ, क्योंकि दिन में अच्छा से कुछ बोलने पर आवाज़ नहीं जाएगा, इसलिए मैं सुबह सुबह के टाइम में आया हूँ। आप लोग को मैं अभी सामने दिखाऊंगा,
और मैं इतना जब दूर से आया हूँ छपरा ज़िला से, तो आप लोग एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। ये रहा बॉयज़ हॉस्टल और ये भी बहुत बड़ा है, और वो रहा लास्ट सीमा जहाँ से ख़त्म हो गया है ये कॉलेज। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं आया हूँ कुछ काम से, मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ अलग अलग जगह का। ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज का पूरा फुल नेम क्या है, वो आपको याद नहीं है? बताइए कितना दिन से आप यहाँ पर हैं? लिखा हुआ है ना, वो तो मैं दिखा दूंगा वीडियो में। चलिए ठीक है, तो आप बताइए ये बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे अभी रहता है लोग? हाँ, रहता है। और अच्छा एक बात बताइए, ये जो है ये वाला प्रिंसिपल प्रोफेसर लोग का है, तो इसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर रहते हैं लोग? और ये वाला जो है एक बगल में, तो इसमें हाँ छोटा वाला, तो इसमें ऑफिस है? नहीं, हाँ प्रिंसिपल साहब का, ये प्रिंसिपल साहब का सेपरेट है। अच्छा, ये प्रोफेसर लोग जो जितना जो इसमें अथी करते हैं उनका है, फैमिली वगैरह सब रखे हुए हैं उनका है। और इसके बाद में जो बाजू में है वो गर्ल्स का हॉस्टल है, और एक और जो है वो एकेडमी है, उसमें पढ़ाई होती है। तो सब लोग कितना बजे से यहाँ पे सर पढ़ाई होती है? लगभग 9 बजे से, 9 बजे से यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो जाती है। कितना बजे तक? 5 बजे तक। दोस्तों आप लोगों ने तो देख ही लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से यहाँ पर मैं आया हूँ, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा, बहुत ही बड़ा ये कॉलेज है। और यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, लोग आप देख सकते हो दोस्त, कॉलेज स्टूडेंट है। तो रुकिए एक मिनट भाई, तो यहाँ पे आप लोग एडमिशन लिए हैं? हाँ जी दोस्त, मैं आया हूँ छपरा ज़िला से। अच्छा, तो मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, तो हर जगह का अच्छा अच्छा कॉलेज, अच्छा अच्छा पैलेस दिखाता हूँ, तो ये सोचा कि यहाँ का भी दिखा दिया जाए। ये तो न्यू कॉलेज है। आप लोग इंजीनियर में कौन सा कैटेगरी में है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिक, अच्छा, यानी कि लास्ट ईयर है? थर्ड ईयर, सेकंड लास्ट ईयर है। सेकंड और थर्ड ईयर में सब लोग? थर्ड ईयर, सेकंड ईयर में, सेकंड लास्ट ईयर, फोर्थ ईयर लास्ट होता है। अच्छा, यहाँ का कुछ 4 साल का डिग्री होता है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ये कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई भी सब कुछ सही चल रहा है। तो आप लोग हॉस्टल में, गवर्नमेंट के अंडर में आता है कॉलेज। अच्छा, तो आप लोग ये हॉस्टल में रहते नहीं हैं? हॉस्टल में ही रहते हैं। हॉस्टल में तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी घर जा रहे हैं। तो घर जा रहे हैं, कहाँ घर है? पटना। अच्छा, पटना में ही घर है। मेरा तो छपरा घर है, यहाँ से बहुत दूर है। चलिए, अच्छा लगा इतना दूर से आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो एक बोल दीजिए एक लाइक करने के लिए। एकदम बिल्कुल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है बिंदास ब्लॉगर। चलिए उसको फॉलो कर देंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोग भी आराम से घूमिए, कॉलेज ब्लॉग बना लीजिए अच्छे से, और अच्छे से शूट कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तो यहाँ के स्टूडेंट से सुनी लिए, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है यहाँ के, और आप लोग तो ऐसे अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाई भी होती है, इसके साथ साथ संस्कार भी है। नहीं तो बहुत लोग तो कुछ भी बोल देता है लोग, तो स्टूडेंट का हेल्प करता है क्या? तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और मैं एक सीक्रेट तैयारी कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको बताऊँगा जब मेरा जॉब हो जाएगा तब, क्योंकि अभी सब चीज़ बताने का मेरा मूड नहीं है, और मैं बताऊँगा भी नहीं अभी, क्योंकि मैं एक शायर सुना था, उसको मैं फॉलो करता हूँ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो दोस्तों वही मैं फॉलो करता हूँ, कि मेहनत मैं खामोशी से कर रहा हूँ। जिस दिन मैं जॉब कर लूँगा, उस दिन मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ और क्या चीज़ का मैं तैयारी करता हूँ। तब तक मेरा आप लोग यही सब ब्लॉग देखते रहिएगा, हर जगह का मैं दिखाते रहूँगा।
और आप लोगों को इंटरटेनमेंट कराते रहूँगा। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा जगह भी जाता हूँ दोस्तों। तो मेरा आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं मजाक में वीडियो नहीं बनाता हूँ, सीरियस होकर बनाता हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करता हूँ, खर्चा भी करता हूँ। जबकि मैं छपरा ज़िला का हूँ और मैं आया हूँ वैशाली, तो यहाँ का मैं ब्लॉग बना दिया, यहाँ का इस कॉलेज के बारे में भी आपको बता दिया, इसके साथ साथ स्टूडेंट से भी आपको मिलवाया हूँ और यहाँ का गार्ड साहब से भी आपको बात करा दिया हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ और काम का वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाए और इससे वो लोग कुछ फ़ायदा में रहें। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।